हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई थिंक आपने ऊपर थंबनेल से ये पता कर ही लिया होगा कि ये वाला ब्लॉग किस टॉपिक पे है। शादियों का सीज़न तो अब आ ही गया है और इसी से रिलेटेड हम लोग भी मैरिज हॉल बुक करने के लिए निकल पड़े थे। और वहाँ जाते ही पता हम लोगों को चला, धीरे धीरे मार्केट का सारा हॉल बुक होने लगा था और हमें एक दो हॉल खाली मिला। और यहाँ आकर के हमें भी पता चला कि यहाँ तो शादी के सीज़न में कम से कम 2 से 4 मंथ पहले ही बुकिंग होना शुरू हो जाता है। और यहाँ ये वाला भी हॉल हमारे हाथ से गया। ये मार्केट का सबसे हाई फाई वाला हॉल था। हमने फर्स्ट ट्राई जिस मैरिज हॉल में किया था वो तो बुक निकला। अब हम फिर चल दिए अपना दूसरा मैरिज हॉल देखने के लिए। हम लोग देखिए अब यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ देखिए विनीत केयर टेकर से बात कर रहा है, पूरा डिटेल ले रहा था। केयर टेकर ने हमें हर एक चीज़ आराम से दिखाया और हर एक चीज़ का जो है अलग अलग एरिया बटा हुआ था। ये किचन एरिया था, यहाँ शादी के लिए जो डेकोरेशन किया जाता है स्टेज, यहाँ ये बता रहे थे कि कितना एरिया किस चीज़ के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो है रूम काफ़ी मात्रा में थी और वो हम नहीं ले सकते थे। फिर हम वहाँ से निकल गए और तीसरा लोन देखने के लिए गए, लेकिन वो वाला भी बुक था जिस डेट में हमने बुक करने का सोचा था, वो बुक था पहले से ही। ऐसे ही हमने 3-4 लोन और देखा तो फाइनली एक बचा हुआ था उस डेट में, तो वो हमने बुक कर लिया। ये वाला भी मैरिज हॉल जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और यहाँ दो भागों में बटा हुआ था मैरिज हॉल और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है डेकोरेट किया गया था इस हॉल को। ये एंगेजमेंट के लिए था छोटा सा, अगर किसी को छोटा लेना हो तो फिर वो स्टेज के साथ जो है डेकोरेट करके देता है। ये सामने वाला जो बिल्डिंग है इसको दो भाग में बांटा गया है और एक साइड जो है नॉन एसी है और एक साइड एसी है। ये वाला भी बुक था। इसी तरह 2-3 और देखने के बाद फाइनली हमने बुक कर लिया मैरिज हॉल।